हे गाइस, वेलकम टू डी ब्लॉग्स। एंड आज है इंडिपेंडेंस डे, सो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। हमारे देश को काफी टाइम पहले आजादी मिल गई थी और आज मुझे आजादी मिलने वाली है अपने इन बालों से। डोंट वरी, मैं टकला नहीं हो रहा हूँ और मम्मी से तो बिल्कुल नहीं कटवा रहा हूँ, लेकिन मैं आज अपने बाल कटवा रहा हूँ क्योंकि बहुत टाइम से तुम लोग भी बोल रहे हो कटवा ले। एंड पैंडेमिक की वजह से मैं बाहर नहीं जा रहा था, कल मैं जाने वाला था लेकिन पापा ने मना कर दिया। जो मेरे बाल काटता है आदिल, मैंने उसको घर पे बुला लिया और आज मेरा हेयर कट फाइनली होने वाला है। तो बाल कटाने से पहले मैं हमेशा सर्च करता हूँ कि मेरे को कौन से टाइप का हेयर कट चाहिए, बिकॉज एक तो मेरे बाल बहुत वेवी से है एंड मैं छोटे बाल रखना प्रेफर करता हूँ, तो इसलिए सर्च करना बहुत जरूरी है। तो लेट्स डू द रिसर्च। पापा का हेयर कट हो गया, अब मेरे हेयर कट की बारी है। और आदिल, मैंने तो दिखाया था नहीं मेरे कैसे बाल कटाने हैं अभी दिखा तो ये आदिल है, आदिल हाय बोलो सबको। तूने मेरा वो ब्लॉग देखा था जिसमें मेरे मम्मी ने बाल काटे थे? देखा था क्या हाल किया था? हाँ। मम्मी ऐसा नहीं लग रहा बहुत ज्यादा बाल काट कटने पहले काटने देगा नहीं, पहले बोलते मम्मी हेयर स्टाइल में पहले साइड से काटते हैं। रुक जाना, काटूंगे ना, काट ले तो देख देख कितने अच्छे कट गए आज के। अभी तो फिलहाल बोलना ही पड़ेगा क्योंकि मम्मी के हाथ में मेरे बाल है, पता नहीं कैसे काट देगा, बुराई कर दूं तो। अभी बराबर करूंगी ना भाई, ये थोड़ा बराबर करे अभी। अच्छा, अभी यहाँ से काटोगी? हाँ, और क्या। अच्छा ठीक है, अभी तो ये सारे कटेंगे ना, ये पूरा वो ढंग से होंगे ऐसे थोड़ा। पहली बार चला, मैंने कभी ट्रिमर भी पहली बार चला रही। और क्या। मैंने तो दुश्मन निकाली, ऐसे नहीं थे वो, ऐसे ही है बिल्कुल। ऐसे तो यहाँ से बिल्कुल सफा चट्टा है। ये देख, और ये देख, ये इतने ही तो थे, इतने देख कितने बढ़िया बाल काटे, कहीं भी उनसे बड़े नहीं है। एक गम का आंसू टपक गया आंखों से। सो गाइस, दिस इज द फाइनल लुक एंड दिस इज हाउ आई लुक नाउ। आई मीन बालों से काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ जाता है। पहले मेरे बाल इतने बड़े बड़े थे ना, तो मैं बहुत, मतलब मेरी बॉडी काफ़ी छोटी लग रही थी एंड काफ़ी स्लाउची बॉडी लग रही थी, लेकिन अब काफ़ी अच्छी बॉडी लग रही है कि फिट भी हो गया हूँ तो मज़ा आ रहा है। एंड यहाँ पे पता नहीं किसी ने डिसाइड किया कि भाई गाने चलाएंगे, तो गाने चल रहे हैं। होपफुली कॉपीराइट ना आ जाए इस पे और ये वीडियो डिलीट ना हो जाए। वैसे तो जीजू को भी आना था यहाँ पे पतंग उड़ाने के लिए, लेकिन वो नहीं आ सकते क्योंकि कुछ टाइम पहले वो साइकिल से गिर गए और उनके पैर में खरोच आ गई, कुछ स्क्रैचेस आ गए, चोट लग गई। एंड उस इंसिडेंट के दो दिन बाद वो सीढ़ियों से गिर गए और उनके पैर में फ्रैक्चर आ गया। तो आप बताओ जरा, सब जानना चाहते हैं और मैं भी जानना चाहती हूँ कि ये इतना बड़ा मतलब कारनामा आपने कैसे करा। 11th of August 11 तारीख को रात को 11 बजे, नोट करिए 11 तारीख को रात को 11 बजे मुझे एक्चुअली वॉक करने का मन किया। सो हम दोनों नीचे गए, घर के सामने वॉक कर रहे थे, फिर हमारे पड़ोसी भी बाहर थे, उनसे बातचीत होने लगी। वो फर्स्ट फ्लोर पे रहते, उन्होंने बोला कि आ जाओ ऊपर बैठते, बात करते, चाय पीते। वो चले गए ऊपर। जब हम उतर रहे थे, उतरते वक्त मेरा एंकल ट्विस्ट हो गया। दैट टाइम मुझे लगा कि जस्ट नॉर्मल ट्विस्ट है जैसा होता है जनरली, इतना मुझे मतलब लगा नहीं था। रात भर मैं सो नहीं पाया, सुबह उठा तो स्वेलिंग बहुत ज्यादा थी, एक्सरे और फिर पता लगा कि फ्रैक्चर है। तो मतलब इनको वॉक करनी थी, अभी वॉक नहीं कर पाएंगे 1.5 महीने के लिए। इंटेंस साइकिलिंग कर रहा था, साइकिलिंग कर रहे थे, और इनको अभी बाइक भी खरीदना था, तो बाइक तो खरीद नहीं पाए, तो हमने वॉकर खरीद लिया चलने के लिए। तो अभी प्लान ये है कि हम लोग पतंग उड़ाएंगे। एंड मैंने नीलेश को भी बोला था कि अगर उसको आना तो वो आ सकता है, लेकिन वो शायद शूट कर रहा है तो शायद वो ना आए। बट मैं और विवेक यहाँ पे पतंग उड़ाएंगे। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, देखो पतंग उड़ाने के पहले सैनिटाइज ज़रूर करना चाहिए। तो ये सैनिटाइज हो चुकी है पतंग। आई थिंक मेरी पतंग ख़राब हो गई है क्योंकि वो पूरी गीली हो गई है एंड आई डिडंट थिंक अबाउट इट। विवेक को एक काम दिया था ये बांधने के लिए कन्नी, और विवेक ने क्या किया पतंग का, मेरे से भी बदतर हाल कर दिया बेचारी का। तो अब हम इसको ऐसे ही उड़ाएंगे।
ये उड़ गई देखो। ओ भाई साहब क्या उड़ी है हमारी पतंग। तेरे को आती भी है बांधनी? स्काई कितनी मस्त आ रही है ना, ब्लू ब्लू। तो अभी विवेक उसकी करनी बांध रहा है, उसके बाद हम उड़ाएंगे। एंड वैसे तो अभी थोड़ी बहुत धूप है, लेकिन अभी 6:20 हो रहे हैं, 6:20 बज रहे हैं, तो आई गेस हमारे पास शायद 30 मिनट या 40 मिनट है, क्योंकि उसके बाद थोड़ा अंधेरा हो जाएगा। वैसे मैं अंधा हूँ, मुझे तो वैसे ही दिखेगी पतंग, तो इसीलिए अभी हम जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी पतंग उड़ाएंगे। Digits in my Motorola and I'm speeding like I robbed someone. Falling and I'm a whip, yeah. Out in fat fast, going hard in the pit, yeah. अभी हवा ही नहीं चल रही ब्रो। अब इधर की चल रही है हवा? हाँ। और विवेक ने एक और पतंग तोड़ दी उड़ाने से पहले। ये हमारा पतंग उड़ाने का आइडिया ही फ्लॉप। वाह। ये विवेक ने तीसरी पतंग तोड़ दी हमारी। मैं नहीं उड़ा रहा। है तू उड़ाएगा? घंटा नहीं उड़ेगी। आई थिंक मैं जो पतंग उड़ा रहा हूँ वो उड़ा रहा हूँ तकरीबन 10-15 साल बाद, आई एम नॉट श्योर, उससे भी ज़्यादा, आई गेस 16-17 साल हो गए होंगे तब मैं पतंग उड़ा रहा हूँ। कि मेरे को याद है जब मैं 5th स्टैंडर्ड में था तब मैं पतंग उड़ा रहा था, और इतना ऑब्सेस था पतंग के साथ कि मैं स्कूल से आता था, होमवर्क नहीं करता था, कुछ नहीं करता था, और सीधा पतंग उड़ाने लगता था धूप में, और फिर उसके बाद ट्यूशन जाता था, और फिर काम तो मैं करता ही नहीं था। एक बार मेरी टीचर ने कंप्लेन भी करी थी माधवी दीदी को कि मैं पूरे टाइम काम नहीं करके आता हूँ स्कूल में, और मैं पता नहीं क्या करता रहता हूँ। देन माधवी दीदी ने बताया कि पतंग उड़ाता रहता है, फिर मम्मी पापा को पता चला कि मैं पतंग उड़ाता रहता हूँ, और फिर उन्होंने मेरा पतंग उड़ाना बंद कर दिया। तो अब मैं इतने सालों बाद उड़ा रहा हूँ। आई कैन स्टिल फ्लाई अ काइट, बट विवेक चांस ही दे रहा है, वो अभी तक 3 पतंग फाड़ चुका है, और मुझे लग रहा है वो और पतंग फाड़ देगा। विवेक लास्ट चांस है, अगर तूने पतंग उड़ा दी अब तो फिर मैं रुकूंगा, नहीं तो फिर मैं नीचे चल जाऊंगा। मुंह पे मार दे मेरे, मुंह पे मार दे मेरे पतंग। हाँ उड़ा उड़ा उड़ा। ओए वो देख क्या जा रहा है ऊपर। गाइस वो क्या है, क्या ये एरोप्लेन जैसा दिख रहा है आपको? मुझे तो एरोप्लेन नहीं लग रहा है, इट लुक्स लाइक अ स्पेसशिप। क्या इंडिपेंडेंस के दिन एलियंस आ गए हैं यहाँ पे? हो सकता है, 2020 वैसे चल रहा है। पतंग उड़ा रहे हो? उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं विवेक, 3 पतंग फाड़ चुका है अभी तक, चौथी फाड़ने की कोशिश कर रहा है वो। गाइस विवेक ने चौथी पतंग भी फाड़ दी है, अब तो मैंने उम्मीद ही खो दी है, तो मैं पतंग नहीं उड़ा रहा हूँ। विवेक की एक पतंग तो ये रही जो अभी लेटेस्ट फटी है, एक ये रही। अरे विवेक एक पतंग आ गई नीचे, कहाँ नीचे फेंक दी? एक पतंग वो रही बेचारी। विवेक ने नामो निशान इसका मिटाने की कोशिश करी, सबूत मिटाने की कोशिश करी, लेकिन हमने ढूंढ लिया।